धनबाद के सदर थाना क्षेत्र धैया स्थित वीरेंद्रपुरम कॉलोनी में मकान मालिक और किरायेदार के बीच जमकर हुआ मारपीट आपको बता दें, जिसमें दोनों ओर से कई लोग घायल हैं। वहीं घायल व्यवस्था में किरायेदार शिकायत लेकर धनबाद सदर थाना पहुंचा तो दूसरा पक्ष के घायल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दरअसल विवाद काफी पुराना है, लेकिन मारपीट बाथरूम को लेकर शुरू हुआ। किरायेदार द्वारा बाथरूम का निर्माण किया जा रहा था, जिसका मकान मालिक विरोध कर रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से मारपीट होने लगा। मारपीट में दोनों परिवार से महिला पुरुष कई लोग घायल हो गए। वहीं दोनों ओर से लोगों को सर में गंभीर चोटें आई। घायल व्यवस्था में थाना पहुंचे किरायेदार को पुलिस ने इलाज के लिए भेज दिया है। वहीं मकान मालिक मिता चटर्जी ने कहा कि आज हुआ था कि सुबह सुबह एक घर हम लोग का बनने वाला है, किचन रूम नगर निगम से पास किया हुआ है, हम लोग का जमीन है, ये बनने वाला था तो किचन रूम रड गिरा था, वही रड मेरा ननद का हस्बैंड हटा रहा था, मेरा हस्बैंड ड्यूटी जाने वाला था और मेरा ननद खड़ी थी तो पीछे से आके इसका जो गीता कुमारी बड़ी बहन है वो आके उसके ऊपर मार दिया, पीछे से मार दिया तो फट से फट गया। फटने के बाद मेरा देवर को उसका भाई है वो भी आके मार दिया, उसका पापा उसका तीनों आके मार दिया, तो मारते मारते दोनों पक्ष में महात्ता पेड़ हो गया है दोनों का। अभी तो बोल रहा है कि बाथरूम नहीं बनेगा हम लोग का घर में, यहाँ ये घर नहीं बन सकता क्योंकि वो लोग है भाड़ा में रहता है, आज है 15 से 20 साल से है, हम लोग कितने एक दो केस हो चुका है, जमीन का खाली कर जमीन का नहीं है खाली करने का है कि भाड़ादार खाली नहीं कर रहा है। ये जो रूम बनाए थे वो भी हम लोग का घर नहीं बनाने थे, तब भी ऐसे ही थाना वाला आया था, थाना वाला आके लोगों बोल के भी गया था कि ये लोग का जमीन है तुम लोग रूम में रह सकते हो, लेकिन ये लोग जमीन पे बनाया गया क्योंकि हम लोग का घर का दिक्कत हो रहा है। ये दोनों इसका मम्मी पापा कहते थे अपने घर घुस जाएगा और दोनों बहन को आगे में बढ़ा देते, दोनों बहन थोड़ा सा है बार बार हम लोग को छिड़काने की तरह देते, बोलता है पकड़ने आया है मारने आया है, एक बार छिड़काने से 20 साल हो गया लगभग, किराया नहीं देते, किराया नहीं दे रहा है, मेरे सास को भी नहीं दिया था, मेरा सास उसी ही से मेरा सास का डेट हो गया क्योंकि मेरा सास सोचा कि भाड़ादार है खाली कर देगा, कौन इतना जानता कि लोग इतना गिरा हुआ काम करेगा कि नहीं खाली करेगा, हम मेरा हस्बैंड लोग चार भाई है, चारों भाई के हम लोग झरिया में घर, झरिया में अच्छा घर नहीं है, यहीं पे मेरा देवर का शादी होने वाला वो भी आएगा रहेगा, मेरा भस्सुर है उसका भी चार भाई वो भी आके रहेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे चार भाई, ये लोग बोलते बनाने ही नहीं देंगे। अब बार बार सर सिर्फ लड़के लोग आगे बढ़ा के, अरे आज भी उस दिन भी बोला हम लोगों कि अगर तुम लोग घर बना के दिखा दो, अभी भी बोला है कि घर बना के दिखा दो नहीं तो मेरा नाम चेंज कर देना, घर नहीं बनेगा कोई कीमत पे, और ऊपर से छोटा बच्चा है टॉयलेट करता है पानी गिराने में, देखिए सब चीज़ में मेरे घर में दिक्कत है, ऐसा कोई नहीं कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गीता चटर्जी। हम लोग बाथरूम तोड़ने जा रहे ठीक है, तो हम लोग बोले कोर्ट में क्या चल रहा है, जब कोर्ट का तुम्हारा आदेश है तो तुम तोड़ सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है ठीक है, एगो नहाने का थोड़ा सा घेरा हुआ ठीक है, बेटी लोग नहाती है उसको तोड़ा था, तो गई माना करने के लिए ठीक है, तो जब माना करने गई बता बेटा बता दे जी बताइए बताइए, तो माना करने गई हम लोग थे घर में, बस इस पर जुड़ा गया दोनों हस्बैंड वाइफ, फिर चिल्लाने लगे तो फिर हम लोग निकले तो वो लोग 6-7 को था, पूरा डंडा ले लेके टूट गया सब, हम समझ गए ठीक है, हम लोग अकेला आदमी थे, मकान मालिक था वो। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? वहाँ करीब 31 साल हो गया सर, अब मेरा केस चला है कोर्ट में, एगो एक जमीन का भी केस चला है, एगो मारपीट का भी केस चल रहा है इसके साथ। सूर्य विहार कॉलोनी में रहता है? नहीं सूर्य विहार नहीं, चंद्र विहार, ये सूर्य विहार करें रानी बंद भैया धीरेन्द्रपुरक गली नंबर 2 में। आप क्या करते हैं? हम ड्राइवरी करते हैं। आप लोग के द्वारा भी मारपीट किया गया है, सर फटने का सूचना मिल रहा है? किसको? मकान मालिक को। हाँ एक हो के सर फूटा है, तो लोग जब किया तो हमको भी तो उठना पड़ेगा ही। क्या नाम है आपका? रामू पंडित। तभी आप थाना में आया केस करना है? जी घर में रहते हैं जिसका सीपी केस टाइटल इविक्शन ऑलरेडी कोर्ट में लंबित है ठीक है, उसके बावजूद वो लोग तोड़ फोड़ करके इससे पहले भी वो लोग घर बना रहे थे, हम लोग नहीं रोके क्योंकि जाने दीजिए उनका घर है वो बना रहे हैं, इसके अगेंस्ट में वो लोग बाथरूम तोड़ने के लिए बहुत टाइम से बोल रहे थे, तो हम लोग बोले बाथरूम तोड़िएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो बोले हम ठेका नहीं लिए हैं ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम थाना में SP को लिखित एप्लीकेशन 1 महीना पहले दे चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई जाके जांच पड़ताल किया, और उसका नतीजा आज ये है कि आज हम लोग को ये दिन देखना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं, और वो लोग घर में 6 से 7 लोग बुला के रखे हुए थे, और मेरे पापा पैरालिसिस पेशेंट हैं, उनसे हाथ उठता नहीं है, बोलते हैं वो लोग कि मेरे पापा उनका मार के सर फोड़ दिए, जबकि ये हाथ में ग्लास नहीं पकड़ पाते हैं, और जब पापा को उन लोगों ने सर फोड़ दिया और हम पुलिस को फ़ोन किए तो खुद से अपना सर फोड़ लिए और बोलते हैं कि तुम लोग मार के मेरे पति का सर फोड़िए तो हम तेरे पाप का नहीं तोड़ेंगे,
ऐसे करके सबके साथ मारापीट किए, माँ का हाथ तोड़ दिए, सर फोड़ दिए, मेरा भी 2-3 जगह चोट लगा, सब मिलके वो लोग जेंट्स मिलके और मेरे पीछे पड़ गए। सब काला हो गया, देखिए मारा है, देखे पूरा मारा है हमको भी। कारण क्या है मतलब? हम बोले उनको कि अब नहाने वाला घर मत तोड़िए, नहाने वाला तोड़ दीजिएगा तो हम लोग नहाएंगे कैसे, तो बोलते हैं कि हम ठेका नहीं।